हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से एक नए सेशन के साथ आए हैं। सोशल साइंस के मोस्ट 20 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले। क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कालक्रम, यानी कि समय के अनुसार पहले कौन सा हुआ था, पहले कौन सा हुआ था, इस तरह से देखना है। तो यहाँ पे आपका नेपोलियनिक वॉर्स, उसके बाद आपका द ट्रीटी ऑफ वियना, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, स्लेव नेशनलिज्म ऑन ऑटम एम्पायर। तो यहाँ पे आपका देखें तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट हुआ था, एक नंबर में आपका आ जाएगा, ये वन हो जाएगा। उसके बाद आपका ये भी आपका टू हो जाएगा, है ना। वन टू जो है कि आपका पहले है, तो वन टू का सीरियल अगर मिला है तो वन टू जो कि सीक्वेंस आपका सिर्फ बी में भी आ रहा है ना। तो आपका यही जो कि राइट रहने वाला है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स वाज कॉमन अमंग द राइटिंग ऑफ कैलाश भासिनी देवी, तराभी शिंदे एंड पंडिता रामाबाई। तो इन सभी के लेखन में क्या चीज़ था जो कॉमन था? तो आप देखें इसमें डिमांडेड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर मासेस, हाईलाइटेड द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन, रेज्ड अवेयरनेस अबाउट कल्चरल हेरिटेज, मोटिवेटेड इंडियंस फॉर देयर नेशनल फ्रीडम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, जो कॉमन था सबका, वो था हाईलाइटेड द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन्स। आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वेयर थ्री इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट ग्रेटली श्रैंक द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, द फ्लो ऑफ ट्रेड, द फ्लो ऑफ लेबर, द फ्लो ऑफ कैपिटल, द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखें आपका इन सब में जो एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट दैट ग्रेजुअली श्रैंक था, वो आपका था द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजिन, स्टीम इंजिन को किस वैज्ञानिक ने जो कि यहाँ पे बनाया था? जेम्स वाट, थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स वाट। जेम्स वाट जो है कि वाष्प इंजन को बनाया था, स्टीम इंजन को बनाया था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फेरस मेटल, है ना। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल है जो फेरस मेटल का है, मतलब ऐसा मेटल जिसमें कि आपका आयरन कंबाइंड हो? तो देखें इसमें टीन, कॉपर, बॉक्साइट और निकेल। तो आपका यहाँ पे निकेल जो है कि हो जाएगा ये फेरस मेटल, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है, जो मैग्नेटिज्म जो कि शो करता है, है ना। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निकेल। नेक्स्ट, मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से देखें कॉलम वन रिसोर्सेज, कॉलम टू में दिया आपका एग्जाम्पल्स, बायोलॉजिकल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कोल, वाइल्ड लाइफ, सोलर एनर्जी। तो आपका इसमें जो हो जाएगा, सबसे पहले बायोलॉजिकल का बात करें, बायोलॉजिकल में आपका आ जाएगा वाइल्ड लाइफ आपका बायोलॉजिकल में आएगा। उसके बाद आपका है ना रिन्यूएबल, जिसे रिन्यू कर सकते हैं, वो आपका सोलर एनर्जी है, और कोल जो कि आपका नॉन रिन्यूएबल है, है ना। तो यहाँ से आपका वन ऑप्शन का थ्री देखें यहाँ पे, उसके बाद टू का आपका थ्री। तो इस तरह से आपका जो कि यहाँ पे ऑप्शन आपका सी जो कि यहाँ पे करेक्ट मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा जो कि करेक्टली मैच्ड है? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल। उसके बाद है कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड सील्ट, साल्ट कंटेंट इन हाई, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन, मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। तो इसमें करेक्ट मैच अगर देखें तो आपका इसमें ऑप्शन ए जो है कि आपका एलुवियल सॉइल, जो कि आपका कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट एंड सैंड एंड सिल्ट जो है कि दोनों का ये मिक्सचर होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बेटर रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के बारे में आपके यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कंट्री जो है कि बेटर रैंक पे है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे अफगानिस्तान, म्यांमार, इंडिया एंड नेपाल दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन चारों देशों में भी इंडिया जो कि बेटर रैंक पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट हाईएस्ट इन द GDP ऑफ इंडिया, है ना। तो भारत के GDP में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किस सेक्टर का जो है कि कंट्रीब्यूट जो है कि सबसे अधिक है। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। तो यहाँ पे आपका जो है कि ये टर्शियरी सेक्टर जो है कि सर्विस सेक्टर भी जिसे कहा जाता है, यानी ये आपका ऐसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, इसका जो है कि GDP में कंट्रीब्यूशन जो है कि सबसे ज़्यादा है आपका, है ना, सर्विस सेक्टर। नेक्स्ट, व्हाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज ट्रेड रेगुलेशन इन 1991, है ना। तो देखें, गवर्नमेंट वांटेड फॉरेन एक्सचेंज इक्विवेलेंट टू इंडियन करेंसी, गवर्नमेंट वांटेड टू मेंटेन गुड रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज, गवर्नमेंट वांटेड इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट द इन द वर्ल्ड मार्केट, गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, यहाँ पे आपका करेक्ट रहने वाला है, गवर्नमेंट वांटेड इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कम्पीट इन द वर्ल्ड मार्केट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज द कंपोजिट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। प्रोग्राम पैरामीटर्स टू मेजर इट आर लॉन्गेविटी, लिटरेसी एंड पर कैपिटा इनकम। कंट्रीज आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू डेवलप एंड लो डेवलपमेंट कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक ऑल्सो प्रिपेयर्स रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा ऑप्शन जो है कि राइट रहने वाला है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन वन एंड टू जो है कि राइट रहने वाला है, ऑप्शन ए, स्टेटमेंट वन एंड टू जो है कि आपका यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। स्टेट हरियाणा, केरला, बिहार, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट पर 1000% 37-32, लिटरेसी रेट 82-94-62 एंड नो नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100% 61-83-43। हाउ मच इज द नेट एब्सेंस रेशियो ऑफ हरियाणा, है ना, हरियाणा का नेट एब्सेंस रेशियो यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपका देखें ऑप्शन, यहाँ पे हरियाणा का एब्सेंस पूछा गया है आपको, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा का अटेंडेंस जो दिया गया है वो 61 है, है ना, अटेंडेंस 61 है, तो एब्सेंस कितना हो जाएगा, 100-61 करेंगे दिया जाएगा आपका 39। तो 39 ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंट गोल ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स, है ना, फैक्ट्री वर्कर्स का क्या डेवलपमेंट गोल रहता है, बेटर वेज, बेटर टेक्नोलॉजी, मोर आवर ऑफ वर्क, मोर लेबर वर्क। यहाँ पे 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बेटर वेज, है ना, है ना, अधिक मजदूरी जो कि दिया जाना चाहिए वो लेबर के फेवर में जाने वाला बात है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बेटर वेज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मेज्ड, देखें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसमें आ रहा है आपका फ्लावर कल्टीवेटर, मिल्क वेंडर, फिशरमैन, गार्डनर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट मैच हो रहा है वो आपका प्राइमरी सेक्टर, फ्लावर कल्टीवेटर जो है आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर, फ्लावर कल्टीवेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पावर शेयरिंग के रिस्पेक्ट में ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, मेजोरिटेरियनिज्म इज द रियल स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इट क्रिएट्स बैलेंस एंड हारमोनी इन डिफरेंट ग्रुप्स, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, है ना, ये आपका राइट आ रहा है अभी, पावर शेयरिंग इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आपका देखें
ऑप्शन जो है कि आपका यहाँ पे 15 का बी जो है कि आपका एकदम करेक्ट आ रहा है, जिसमें आपका स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट स्टेटमेंट है ना। तो ये आपका यहाँ पे 15 का बी जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, टू स्टेटमेंट्स आर गिवेन बिलो एज एक्सेप्शन ए एंड रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्सेप्शन, श्रीलंका एडॉप्टेड तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स। तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा जो है कि करेक्ट रहने वाला है। यहाँ पे आपका एक्सेप्शन में दिया गया है श्रीलंका एडॉप्टेड तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपका गलत है ना। श्रीलंका का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है सिंहली, वो आपका श्रीलंका का सिंहली जो है कि है ना, सिंहला जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपका यहाँ पे स्टेटमेंट ए गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन में ए गलत, यहाँ पे दोनों ट्रू है, यहाँ पे भी दोनों ट्रू है, यहाँ पे ए फॉल्स। ऑप्शन डी में देख रहे हैं है ना, ए फॉल्स है आर ट्रू है, तो आपका आंसर यहीं पर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बैंक्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, कंप्यूटर, यहाँ पे कंदियाकन, करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेफ्यूजरी सब्जेक्ट। तो इसमें आपका कंप्यूटर जो है कि रेफ्यूजरी सब्जेक्ट में आ रहा है, कंप्यूटर आपका रेफ्यूजरी सब्जेक्ट में आएगा है ना। फोर का फोर आपका पहले मैच कर रहा है, तो देखें तो फोर का फोर आपका ओनली एक जगह जो है कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है, फोर का फोर जो है कि आपका मैच कर रहा है, अदरवाइज कहीं मैच नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो कि सी 17 का करेक्ट रहने वाला है। ये टेक्निक है पकड़ने का, क्वेश्चन के आंसर देने का है ना, एक मिल गया और अदर कोई नहीं, मिल ही नहीं रहा है, चार आर कहीं पे भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी ही करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवेन इन द बॉक्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पावर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद देम, इट इज कॉल्ड अ थ्री टायर गवर्नमेंट। आपके यहाँ पे ऑप्शन है डिक्टेरियल सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, यूनिटरी फेडरल सिस्टम है ना, इम्पीरियलिस्टिक सिस्टम। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, आपका जो कि ये विकेंद्रीकरण जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे 19 का यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है। द्विदलीय व्यवस्था है ना, बाइकैमरल सिस्टम का मतलब जो बात कर रहे हैं यहाँ पे 19 का, तो देखेंगे आपका यहाँ पे चीन, रूस, भारत, अमेरिका है ना, इसमें आपका ऑप्शन सी अमेरिका जो कि करेक्ट हो जाएगा, जो कि द्विदलीय व्यवस्था यहाँ पे बाइकैमरल सिस्टम यहाँ पे लागू है। विश्व में अधिकतर लोग किस प्रकार की सरकार को पसंद करते हैं, लोकतांत्रिक, सैन्य, तानाशाही, धर्म आधारित है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए लोकतांत्रिक। आप भी जानते हैं अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है कि सभी देशों के द्वारा अपनाया जा रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए ही करेक्ट रहने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, सेशन को समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।